हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप जानेंगे कि मोबाइल के नोटिफिकेशन बार पर आप फोटो कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के नोटिफिकेशन पर यहां पर आप अपना या अपनी पसंद का कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल के नोटिफिकेशन पर आप अपना या अपनी पसंद का कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक जरा सा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो फिर आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन पर आप अपना फोटो सेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ उस एप्लीकेशन का नाम क्या है तथा उसमें कैसे सेटिंग करना है। उसके बाद आपको बताऊँगा कि उस ऐप को डाउनलोड कहाँ से करना है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो फिर आप नोटिफिकेशन पर फोटो सेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उस ऐप का नाम है वनशेड। तो दोस्तों, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपसे 3 परमिशन मांगा जाएगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पे डुअल सिम पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको वनशेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ से इसे ओके कर देना है। आफ्टर दैट गाइज, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वनशेड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डोंट शो अगेन पर क्लिक करना है। परमिशन पर अलाउ करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस वाला ऑप्शन पे कलर्स पर क्लिक करना है। कलर्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस स्लाइडर कलर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ब्राइटनेस स्लाइडर का कलर सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पसंद के अनुसार इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार पर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि फ़ोटो नोटिफिकेशन बार पर सेट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है वनशेड प्रीमियम वर्सन APK डाउनलोड। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही वनशेड V2.8.5 APK मोड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। थैंक यू।